हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और ये ब्यूटीफुल सा लहंगा मैंने बनाया है 23 इयर्स ओल्ड साड़ी से। किस तरह से बनाया है इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी कटिंग देख सकते हैं। और आज आपको बताएंगे कि हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी पुरानी साड़ी को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल से लहंगे में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो कलियाँ कट की थी लहंगे के लिए उसे हम अटैच करेंगे, यानी उसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम दो कलियाँ लेंगे और बाकी कलियाँ हम यहाँ पर साइड पर रखेंगे और अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। तो हम हमारी जो उल्टी साइड है वो हम रखेंगे ऊपर की साइड और सीधी साइड अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और रॉन्ग साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दो कलियाँ ली हैं और दोनों कलियों को हम आपस में इस तरह से रख कर और हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कलियाँ जो हमारी 16 कलियाँ हैं हम उन सभी को आपस में अटैच कर देंगे। ये देखिए, मैंने लहंगे की जो कलियाँ थी उन सारी कलियों को यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है, स्टिच कर दिया है मैंने सारी कलियों को। और ये जो दिख रही है आपको, ये एक साइड की घेर है। ये देखिए, ये मैंने डबल कर कर रखा है, ये दोनों साइड की घेर, इस तरह से कुछ इतना ज़्यादा फ्लेयर आएगा आपके लहंगे में। तो चलिए, हमने कलियों को तो अटैच कर दिया है, अब हमें स्टिच करना है बॉर्डर को। तो नीचे साइड जो हमारी लहंगे की फ्लेयर है हम उस पर ये बॉर्डर जो हमने पहले कट किया था साड़ी का जो बॉर्डर था उसे हम अटैच कर लेंगे नीचे पूरे घेर में। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे बॉर्डर में जो है इसी तरह से लहंगे के साथ उसे स्टिच कर लेंगे। बॉर्डर को हमने स्टिच कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि हम बॉर्डर की ऊपर सिलाई लगाएंगे, यानी कि पॉइंट की सिलाई जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो हम इस तरह से पूरे के पूरे घेर में, यानी कि पूरे के पूरे बॉर्डर में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अब हमारी जो लाइनिंग थी हम उसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कलियाँ थी हम उन कलियों को अटैच करेंगे, यानी दो कलियाँ हमने दोनों घेर में जो है दोनों साइड में, दोनों के लहंगे की साइड में हमने कटिंग की थी उसे हम सबसे पहले यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये मैंने कलियों को स्टिच किया और कलियों की स्टिच के बाद हम कलियों के ऊपर भी पॉइंट की सिलाई जो है इस तरह से वो हम लगा लेंगे। अब कलियों को स्टिच करने के बाद हम दोनों साइड्स जो थी हमारी लाइनिंग की दोनों साइड्स, हम उन दोनों साइड्स को आपस में स्टिच कर लेंगे। अभी हमने लाइनिंग की दोनों साइड्स को स्टिच कर ली, अब हम क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे अब हमारी जो मेन फैब्रिक थी उसमें हम अटैच करेंगे लाइनिंग को। तो इस तरह से हमारी जो भी वेस्ट थी उन दोनों वेस्ट को हम, मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के वेस्ट को हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में स्टिच कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके लिए बेल्ट रेडी करेंगे लहंगे के लिए हमारी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया है पेस्टिंग पेपर, इससे हमारा बेल्ट जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, कड़ा हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पर आयरन से इसे चिपका रहे हैं, या आयरन से बहुत ही ईजिली चिपक जाती है। तो हमने इस तरह से, ये देखिए, पूरे के पूरे बेल्ट पे हमने पेस्टिंग पेपर जो है वो चिपका लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे लाइनिंग। तो ये देखिए, मैंने जितनी हमारी बेल्ट थी उतनी ही हमने ले ली है लाइनिंग यहाँ पर,
और इस तरह से हम इस लाइनिंग को यहाँ पर चिपकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों लाइनिंग को और ये जो हमारी ऊपर की बेल्ट है उसे हम आपस में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टिच करेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ स्टिच करने के बाद। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टिच कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर जो है वो स्टिच नहीं करना है, उसके बिल्कुल कोने पर हम स्टिच करेंगे, बिल्कुल कोने पर यानी कि कपड़े पर हम स्टिच करेंगे। पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है हमें। तो इस तरह से हम सारी की सारी जो बेल्ट है हमारी वो हम स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हम दोनों साइड्स को भी, जो हमारी बेल्ट की दोनों साइड थी इस साइड और उस साइड, हम उस दोनों साइड को भी लॉक कर लेंगे इस तरह से स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉक कर लिया है इस साइड को भी और उस साइड को भी लॉक कर लिया, और अब हम इसे सीधी कर लेंगे। और ये देखिए बेल्ट की साइड जो है वो लॉक हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कोने पर। तो चलिए अभी हम बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है और इसी तरह हमारा बेल्ट जो है रेडी हो गया है। तो अभी हम बेल्ट को साइड पर रखते हैं और अब हम क्या करेंगे कि अब हम लहंगे पर लगाएंगे जिप। तो जिप कैसे लगाते हैं आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो साइड्स थी लहंगे की वो हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने साइड्स जो है वो ले ली है यहाँ पर, और हम 6 इंच की जो है जिप डालेंगे अपने लहंगे में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच का जिप इस तरह से हम, मैं आपको मेजर करके दिखा दी हूँ, यहाँ तक देखिए ये 6 इंच है। तो यहाँ पर हम 6 इंच का जो है जिप लगाएंगे अपने लहंगे में। तो सबसे पहले हम 6 इंच तक हम इसे लॉक कर लेंगे, हमारी जो साइड्स है उस साइड्स को हम 6 इंच पर, मतलब 6 इंच तक हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 इंच तक हमने यहाँ पर लॉक कर लिया इसे। अब हम इस पर लगाएंगे जिप। तो जिप किस तरह लगाएंगे, इसे हम इन दोनों जो साइड्स, ये देखिए दोनों जो साइड्स थी इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अब हम इसके ऊपर जिप लगाएंगे। तो जिप अब हम लगाते किस तरह हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, ये देखिए यहाँ से हमारी जिप स्टार्ट होगी और जिप हमारी, हमारी जहाँ तक रहेगी यहाँ से हमारी जिप कट होगी। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम, हमने जो सिलाई की थी उस पर हम एक साइड की जिप को रखेंगे इस तरह से, और एक साइड की जिप को हम 6 इंच तक, यानी हमने जो मेजर किया था 6 इंच तक, वहाँ तक हम इस पर, इस जिप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड की जिप हमने लगा ली है, अभी हम इस तरह से जिप को बंद कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से बंद कर दिया। अभी हम ये थ्रेड को कट कर देंगे। अब हमारी दूसरी साइड पे हम जिप लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस साइड को हम पलट देंगे और अब इस साइड की जिप पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड्स की जिप स्टिच करने के बाद अब हम लहंगे को सीधी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लहंगे को सीधी कर लिया और उसके बाद हमने जो 6 इंच पर सिलाई लगाई थी हम उस सिलाई को यहाँ पर खोल लेंगे। तो यहाँ पर दो मेथड से आप लगा सकते हैं जिप, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं जिस तरह से अभी हमने लगाया है, पहले हमने स्टिच किया उसके बाद हमने लगाया, और एक ओपन में भी आप जिप लगा सकते हैं, ओपन में भी लग जाती है जिप। अब हम क्या करेंगे, हम इस जिप के ऊपर दोनों साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए अभी हम इस जिप के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जिप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो जिप थी हम जिप को कट कर लेंगे, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा जिप थी हमारी हम उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी जो एक्स्ट्रा जिप थी उसे हमने कट कर लिया है। अब हम साइड्स को स्टिच करेंगे, लहंगे की जो साइड्स थी उसे हम स्टिच करेंगे। जब हम लहंगे की साइड्स को स्टिच करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ तक हम साथ में स्टिच करेंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को, और उसके बाद वहाँ से हम मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे और लाइनिंग को अलग स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को स्टिच कर रही हूँ, और हमने मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरह से लाइनिंग को भी स्टिच कर लेंगे। Thank you.
अब हम लहंगे में बेल्ट ऐड करेंगे। तो बेल्ट हम इस तरह से ऐड करेंगे, ये जो बेल्ट में यहाँ पर हमने लाइनिंग लगाई थी, उस लाइनिंग में हमारी जो वेस्ट है लहंगे की, उसे हम स्टिच करेंगे। पूरी जब वो स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद हम हमारी जो बेल्ट है ये, उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई इस बेल्ट के ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पर मैं अम्मी की हेल्प कर रही हूँ। लहंगा जो है वो थोड़ा हैवी हो गया था क्योंकि हमने उसमें लाइनिंग अटैच की थी। लाइनिंग लगने के बाद लहंगा थोड़ा हैवी हो गया था, तो मैं अम्मी की हेल्प कर रही थी। और कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि आप स्टिच नहीं करते हो। तो जी हाँ, कभी मैं स्टिच करती हूँ, कभी अम्मी स्टिच करती हैं, कभी मैं कटिंग कर लेती हूँ, कभी वो कटिंग कर लेती हैं, तो हम दोनों मिलकर करते हैं। और अम्मी को मुझसे ज़्यादा आता है, मतलब मैंने जो भी स्टिचिंग सीखी है वो अम्मी से ही सीखी है, तो इसलिए हम दोनों मिलकर ही करते हैं। मैंने बस आप सबको ऐसे ही बता दिया। और ये देखिए, हमने बेल्ट जो है वो लहंगे में लगा लिया है। अभी हम बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट जो है ऐड कर ली है लहंगे में, आप देख सकते हैं। और मैंने बेल्ट को थोड़ा ज़्यादा रखा है इसलिए क्योंकि अगर वेस्ट किसी का ज़्यादा है, वो भी अगर इस लहंगे को पहनना चाहें तो आराम से वो वेयर कर सकते हैं इस लहंगे को। तो चलिए, हमने बेल्ट तो रेडी कर लिया लहंगे में। अभी हम नीचे जो हमारी फ्लेयर थी, तो उसमें मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कैनकैन पट्टी। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह की कैनकैन पट्टी मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी। इससे लहंगा जो है वो फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत ही अच्छा लुक आता है लहंगे में। तो यहाँ पर मैं कैनकैन पट्टी लगा रही हूँ मेरे लहंगे की पूरी फ्लेयर में। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये कैनकैन पट्टी रखनी है। बिल्कुल भी आपको कैनकैन पट्टी को खींचना नहीं है ज़ोर से, बिल्कुल हल्के हाथों से रखना है और इसे स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरी फ्लेयर में इसी तरह से कैनकैन पट्टी को स्टिच कर रही हूँ। इस लहंगे में मैं कैनकैन अटैच नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कैनकैन पट्टी का यूज़ किया है। और मेरे पास ऑलरेडी कैनकैन स्कर्ट है, तो मैं इस लहंगे के नीचे कैनकैन स्कर्ट वेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कैनकैन स्कर्ट की स्टिचिंग और उसकी कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कैनकैन स्कर्ट की स्टिचिंग और कटिंग, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने कैनकैन पट्टी जो है वो नीचे लगा ली है। नीचे साइड जो हमने इसकी स्टिचिंग की थी, उसी तरह से हम यहाँ पर ऊपर की साइड पर भी पूरी फ्लेयर पर सिलाई लगा लेंगे कैनकैन पट्टी पर। तो ये देखिए, हमने लगा लिया है। और यहाँ पर ये देखिए कितना हार्ड हो गया है। तो जब आप ये लहंगा वेयर करोगे तो ये नीचे से फ्लफ़ी दिखेगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो कैनकैन पट्टी लगाने से इसमें इसी तरह से अच्छा लुक आ जाता है। अब हम लहंगे की लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे। तो जितने भी हमारी लाइनिंग की फ्लेयर है, हम उसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने एक इंच का मार्जिन नीचे रखा था, तो यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरी की पूरी लाइनिंग को और हमारा जो लहंगा है वो हो जाएगा रेडी। अब हम लहंगे में लगाएंगे हुक। ये हुक जो जेंट्स के पैंट में लगाया जाता है वो वाले, तो यहाँ पर मैंने दो हुक लगा दिया है। और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा लहंगा, वो भी इतनी पुरानी साड़ी से हमने किस तरह से बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कि मैंने इस पुरानी साड़ी को किस तरह से रीन्यू किया, लहंगे में किस तरह से कन्वर्ट किया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लहंगा कैसा लगा। तो चलिए, फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।